10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जेंगटाई उस लड़की को फ्रीज करने के बाद उससे वह ड्रैगन स्केल छीनने की कोशिश करता है। तभी वहां पर लीन फेंग पहुंच जाता है और अब वह अपनी टाइम एंड स्पेस टेक्निक का यूज करते हुए जेंगटाई को वहीं पर रोक देता है। तो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी लीन फेंग अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे जेंगटाई और उसके सभी साथी इल्यूजन में फंस जाते हैं और अब जेंगटाई के हाथ से उसका आइस फ्लैग भी नीचे गिर जाता है। अभी साउटियान काफी तेजी से एक फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे मौजूद बाईहाई डायनेस्टी के सभी लोगों को वहां से थोड़ी दूरी पर टेलीपोर्ट कर देता है और अब वह अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का यूज करते हुए जेंगटाई के सभी साथियों पर लगातार अटैक करने लगता है। दूसरी ओर लीन फेंग अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जिसके फायर हीट से वहां पर फ्रीज हुई वह लड़की आजाद हो जाती है और अपने साथियों की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ती है। तभी लीन फेंग अपने एक सोल फॉर्म को जेंगटाई के सोल सी में पहुंचा देता है और अब लीन फेंग की सोल बॉडी जेंगटाई के सोल सी में पहुंचते ही उसके सोल को डिस्ट्रॉय कर देती है जिससे जेंगटाई वहीं पर मारा जाता है और अब वह सीधा अपने साथियों के पास जाकर नीचे गिरता है, जो देखते ही लीन फेंग दोबारा से अपने निर्वाणा स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक काफी खतरनाक अटैक उन सभी लोगों पर करता है जिससे जेंगटाई के सभी साथी भी मारे जाते हैं। तभी साउटियान उड़ते हुए जाकर जेंगटाई के आइज फ्लैग को उठा लेता है और लीन फेंग के पास जाकर उसे देते हुए बोलता है, मास्टर यह सच में एक काफी खतरनाक वेपन है तो हमें इसे अपने पास रख लेना चाहिए। तभी बाईहाई डायनेस्टी के वह दोनों सोल्जर भागते हुए लीन फेंग के पास आते हैं और वह उनकी जान बचाने के लिए लीन फेंग को थैंक्स करने लगते हैं। लीन फेंग बोलता है, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया और तो और यहाँ पर तुम सभी लोगों को बचाना मेरा फर्ज था। और यह बोलते हुए लीन फेंग वहां से आगे बढ़ जाता है। अब वह दोनों सोल्जर्स आपस में बात करने लगते हैं। लीन फेंग पिछले 4 महीनों से पर्पल सन पैलेस के अंदर था और अब यहां पर इसकी पावर पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। अब लीन फेंग वहां खड़े बाकी के लोगों के पास जाता है। तभी वह लड़का आगे आते हुए लीन फेंग के सामने बो डाउन करके उसे वहां पर थैंक्स करता है। तभी लीन फेंग बोलता है, तुम मेरे गुसेन कॉन्टिनेंट के डिसाइपल हो जिस हिसाब से हम सभी साथी हुए, तो तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं। तभी वहां पर सिनर साओयू के साथ आती है। साओयू को देखते ही वह दोनों सोल्जर्स बोलने लगते हैं, बड़े भाई साओयू, अब तो निर्वाणा रैलम के 7th लेवल पर पहुंच चुके हो, आखिर आपकी पावर इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? अब साओयू उन दोनों को बताता है कि पर्पल सन पैलेस के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी जिस वजह से वह लोग वहां पर काफी अच्छे से कल्टीवेशन कर पाए। तभी दूसरा सोल्जर बोलता है, तो क्या आप लोगों को रास्ते में हेवेनली स्वॉर्ड अलायंस के डिसाइपल्स नहीं मिले थे? साओयू उसे बताता है कि रास्ते में ही हेवेनली स्वॉर्ड अलायंस और 10,000 पॉइजन अलायंस दोनों ने ही एक साथ मिलकर हम पर अटैक किया था, पर ब्रदर लीन फेंग ने काफी आसानी से उन सभी लोगों को हरा दिया। यह सुनते ही वह सोल्जर सोचने लगता है, हमने यहाँ पर लीन फेंग की पावर को अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अगर उस दिन हम भी लीन फेंग के साथ पर्पल सन पैलेस में चले जाते तो आज हमारी भी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती। तभी लीन फेंग सभी लोगों को अपने फ्लाइंग शिप पर इनवाइट करता है और बोलता है कि क्यों ना हम सभी लोग एक साथ ही यहां से आगे चले, जो सुनकर सभी लोग तैयार हो जाते हैं। अब हमें स्नो सिटी के गेट पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसके पास भागते हुए आकर एक सोल्जर उसे बताता है कि मास्टर जेंगटाई और हमारे कई सारे सोल्जर्स फाइट में हार चुके हैं। और तभी वह पर्सन अपने हाथ में मौजूद एक जेड में देखता है तो जेंगटाई की लाइफ एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, जो सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वह सोल्जर बोलता है, तो मास्टर क्या हम उन सभी लोगों को सिटी के अंदर आने देंगे या फिर नहीं? यह सुनते ही वह पर्सन गुस्से में बोलता है, इन लोगों ने मेरे दोस्त को जान से मार दिया, इसके बावजूद तुम्हें लग रहा है कि मैं इन्हें सिटी के अंदर आने दूंगा? दूसरी ओर फ्लाइंग शिप पर खड़े सभी लोग स्नो सिटी की ओर देख रहे होते हैं। तभी उन्हें एक काफी खतरनाक एनर्जी महसूस होती है। अब साओयू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वह अपने से थोड़ी दूरी पर एक जाइंट वुल्फ को देखता है जो धीरे धीरे उनकी ओर आगे बढ़ रहा होता है। दूसरी ओर नो सिटी के गार्ड भी उस वुल्फ को देखते हैं और अब वह उसे देखते ही परेशान होते हुए बोलते हैं, यह तो गोस्ट वुल्फ ऑफ डेथ है, यह दोबारा से यहाँ पर आ गया।
और अब वह एक सोल्जर को पकड़ते हुए बोलता है, जल्दी से जाकर सिटी लॉर्ड को इस बारे में बताओ, वरना हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, और हमें इस वुल्फ को यहाँ पर रोकने के लिए हमारे सबसे पावरफुल वॉरियर्स की जरूरत है, तो उन्हें लेकर जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचो। दूसरी ओर लिली उस वुल्फ को देखकर काफी हैरान होती है और अब वह सौयू से उस वुल्फ के बारे में पूछती है। अब सौयू लिली को बताता है कि यह गोस्ट वुल्फ ऑफ डेथ है और लेजेंड के हिसाब से यह एक एशियंट बीस्ट है, और एशियंट टाइम में किसी पावरफुल अपोनेंट से फाइट करने के दौरान इसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी। अभी से यह स्नो एरिया में छिपकर कल्टीवेट कर रहा था, और पिछले 10,000 सालों तक कल्टीवेट करके इसने अपनी पावर को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि इसके ईवल ऑरा के आसपास से भी अगर कोई गुजरता है तो उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस वुल्फ को सिटी के अंदर जाने से रोकने के लिए सिटी के चारों ओर एक डिवाइन फॉर्मेशन बनाया गया है, तो अगर हमें यहाँ पर अपनी जान बचानी है तो हमें जल्द से जल्द सिटी के अंदर जाना होगा। यह सुनते ही लीन फैंग अपने फ्लाइंग शिप की स्पीड को बढ़ाता है और अब वह सभी लोग स्नो सिटी के गेट पर पहुंच जाते हैं। तभी सौयू आगे भागते हुए जाकर उस पर्सन से बोलता है कि सिटी के ऊपर लगा फॉर्मेशन हटाया जाए, क्योंकि हम सिटी के अंदर आना चाहते हैं और हम सभी लोग गुसेन कॉन्टिनेंट के डिसाइपल हैं जो यहाँ पर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। यह सुनते ही वहां पर खड़ा वह पर्सन बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि सिटी की ओर गोस्ट वुल्फ आगे बढ़ रहा है? तो सिटी की सुरक्षा के लिए मैं यह बैरियर नहीं हटा सकता हूँ, तो यहाँ से कहीं और जाओ। यह सुनते ही सौयू बोलता है, गोस्ट वुल्फ अभी इस जगह से बहुत ही ज्यादा दूर है और जब तक वह यहाँ तक पहुँचेगा तब तक हम सभी लोग सिटी के अंदर एंटर कर चुके होंगे, तो तुम्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि गोस्ट वुल्फ की स्पीड कितनी ज्यादा फास्ट होती है, और अब वह कुछ सेकंड्स के अंदर ही यहाँ पर पहुँच जाएगा। दूसरी ओर वह गोस्ट वुल्फ अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए काफी तेजी से उन लोगों की ओर आगे बढ़ रहा होता है, जो देखकर सौयू परेशान हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें पता नहीं कि स्टार हॉल पैलेस ने चारों ओर अनाउंस किया है कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक इंसान को शेल्टर दिया जाए, पर तुम हमें सिटी के अंदर आने से रोक रहे हो, क्या तुम्हें इसका परिणाम पता है? वह पर्सन बोलता है, हाँ, मैं इसका परिणाम अच्छे से जानता हूँ, पर अगर मैंने तुम सभी लोगों को सिटी के अंदर आने दिया तो तुम्हारी वजह से सिटी के हजारों लोगों की जान खतरे में आ सकती है। यह सुनकर सौयू को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर खड़ा वह पर्सन उसे रोक देता है और बोलता है, ब्रदर सौयू, बहस करने का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं, मैं इस पर्सन को जानता हूँ, यह जेंगटाई का दोस्त है, इसी वजह से यह हम सभी लोगों को सिटी के अंदर जाने से रोक रहा है। अब यह सुनते ही लीन फैंग आगे बढ़कर उस पर्सन से बोलता है, मैं आज तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर यहाँ पर मेरे किसी भी साथी को थोड़ी सी भी इंजरी हुई तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सभी साथी खून के आंसू रोएंगे। यह सुनकर वहां पर खड़े सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब एक सोल्जर उस पर्सन के पास आगे आते हुए बोलता है, मास्टर, इस फ्लाइंग शिप पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और अगर हमारे हायर अप्स को इस बारे में पता चला कि हमने इन लोगों को सिटी के अंदर आने से रोका है तो फिर हमें पनिशमेंट से कोई भी नहीं बचा पाएगा, तो फिर क्यों ना हम इन लोगों को सिटी के अंदर आने दें। तभी वह पर्सन बोलता है, आखिर तुम पैनिक क्यों हो रहे हो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वह सब कुछ मैं अपने सर ले लूंगा और अपने हायर अप्स को बताऊंगा कि मैंने ही सिटी का दरवाजा नहीं खोला, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि इन सभी लोगों का नामो निशान यहाँ पर बचने वाला है, गोस्ट वुल्फ सभी लोगों को खा जाएगा? तभी उस जगह पर गोस्ट वुल्फ भी पहुंच जाता है और अब वह लीन फैंग के फ्लाइंग शिप के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है। यह देखते ही लीन फैंग सिनर से बोलता है कि सिनर, तुम इसी जगह पर रुक कर शिप को प्रोटेक्ट करो, मैं इस गोस्ट वुल्फ को अभी ठिकाने लगा कर आया। यह बोलते हुए लीन फैंग गोस्ट वुल्फ की ओर आगे बढ़ता है। तभी सिनर अपने पास से अपने होली स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए अपने ऑरा प्रेशर को शिप के चारों ओर फैलाती है, जिससे गोस्ट वुल्फ की ईवल एनर्जी उनके शिप के ऊपर ना आ सके। अब सिनर के हाथ में एक होली स्वॉर्ड देखते ही वहां पर खड़े सभी सोल्जर्स के होश उड़ जाते हैं। दूसरी ओर लीन फैंग गोस्ट वुल्फ के सामने खड़ा होता है और अब लीन फैंग को देखते ही गोस्ट वुल्फ उस पर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जो देखते ही लीन फैंग अपने पास से अपने डिवाइन मिरर को बाहर निकालते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है, पर वह अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है,
जिसे उसका डिवाइन मिरर भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। तभी साउटियान बोलता है, मास्टर यह वुल्फ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है तो आपको इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसी वक्त वह वुल्फ अपने कई सारे क्लोन्स बना लेता है, जो देखते ही साउटियान अपने हेवेनली स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त एक क्लोन साउटियान के ऊपर एक शार्प स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर साउटियान उस शार्प स्वॉर्ड को गोस्ट वुल्फ की ओर मोड़ देता है। यह देखते ही वह डीमन वुल्फ साउटियान पर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। अब साउटियान उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह उसके सामने नहीं टिक पाता है और वहां से हटकर अपनी जान बचाता है। वहीं यह सब देखकर लिली काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और बोल रही होती है कि आखिर यह वुल्फ कितना ज्यादा पावरफुल है। अभी सायू बोलता है कि इस डीमन वुल्फ के पास एक डिवाइन सोल है, जिसका यूज करते हुए यह अपने हजार से भी ज्यादा क्लोन्स बना सकता है, और इस वजह से ब्रदर लिनफेंग ज्यादा देर तक इस वुल्फ का सामना नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर गेट पर खड़ा वह पर्सन यह सब कुछ देखकर खुश हो रहा होता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।